हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एसएससी रीजनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, बहुत सी बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 और 1 - 1/19, 1 - 1/20 बराबर क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने, कैसे सोल्व करते देखिए। इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों देखो, एक समझा देता हूँ कि इसके नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर अपन यहाँ पे एक लिख देते हैं, यहाँ पे दो हर में है, तो हर अगर कॉमन करने के लिए दो यहाँ पे भी ऊपर नीचे कर लेते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या होगा, दो में से एक गया तो 1/2 क्या बचेगा, 1/2 है ना, यानी कि दो में से एक गया तो 1/2। इसी तरह तीन, तीन में से एक गया तो 2/3। इसी तरह चार, चार में से एक गया तो यहाँ चार रखें तो चार में से एक गया तो 3/4। इंटू यहाँ पांच रखें तो पांच में से एक गया तो यानी कि 4/5। इसी तरह यहाँ 19, 19 में से एक गया तो 18/19 हो जाएगा, 18/19। इसी तरह 20, 20 में से एक गया तो 19/20 हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, इसी तरह यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ अगली संख्या 18 आएगी तो 18 से 18 कट जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, बचेगा 1/20, क्या बचेगा, 1/20 बचेगा, जो अपने ए ऑप्शन में आ रहा है 1/20। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है कि 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 और 2 - 997/997। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे तीन अपनों को चाहिए, कितना चाहिए, तीन। जब यहाँ तीन होगा तो तीन का गुणा ऊपर होगा, 3 × 2 = 6, तीन का गुणा ऊपर, 3 × 2 = 6, 6 में से एक गया तो 5, 5/3 हो जाएगा। इसी तरह 5 × 2 = 10, 10 में 3 गया तो 3 × 2 = 6, 3 का गुणा 2 में होगा, 3 × 2 = 6 में से एक गया तो 5, 5/3, 5 × 2 = 10 में 3 गया तो 7, 7/5। इसी तरह 7 × 2 = 14, 14 में से 5 गए तो 9/7। इसी तरह इसका गुणा इसमें होगा तो 2 × 18 = 8 हासिल है 1, 2 × 18 = 19 = 9 हासिल है 1, 2 × 18 = 19 माइनस 907/999। और इसको अपन घटा देते हैं, यहाँ से संख्या को घटा देते हैं तो क्या बचता, देखो 8 में से 9 गया, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में 9 गया 0 और 1/999। अब देखते हैं इधर कौन सा संख्या कटती है, यहाँ इधर नहीं कटती। अब क्या है, 5 से ये कट गया, 7 से ये कट गया, इसी तरह 9 से कोई संख्या कटेगी और अगली कोई संख्या होगी इससे ये संख्या भी कट जाएगी, यहाँ पे अगली संख्या इससे भी कट जाएगी, तो बचेगा 1001/3, 1001/3 बचेगा, जो किस ऑप्शन में आ रहा, ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।